वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में बलसिंहखेड़ा मोड़ पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 का इनामी अनिल उर्फ करिया को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, पकड़ा गया। बदमाश करिया चेकिंग के दौरान बाइक से भागने की फिराक में था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी तस्वीर आप देखिए। पकड़ा गया बदमाश कानपुर के बिधनों का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में भी एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है। उसके पैर में गोली लगी है, जिससे मुठभेड़ हुई है। पुलिस की बताया जा रहा है कि ये 25,000 का इनामिया था, जो कि निकला हुआ था पुलिस चेकिंग के दौरान। मोहनलालगंज पुलिस और एसटीएफ में पूरी मुठभेड़ हुई। आपको दिखाना चाहेंगे, वही स्पॉट है। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो असलाह है और खोखे भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा कि उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की जो क्रॉस फायरिंग नहीं है, उसमें उसके पैर में गोली लगी है। आपको पीछे मोटरसाइकिल भी दिखाना चाहेंगे। ये मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई है, जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। आप देख सकते हैं, बगैर नंबर की गाड़ी से ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ऑपरेशन क्लीन जारी है, उसमें आज एक और कामयाबी लगी है लखनऊ पुलिस को, जिसमें एक 25,000 का इनामिया पकड़ा गया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसके बाद पुलिस कस्टडी में लिया गया है। उसको फिलहाल अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, मौके पर तमाम पुलिस फोर्स पहुंची है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम एसीपी डीसीपी सहित तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में डीसीपी साउथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पूरा ऑपरेशन क्लीन चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, तो आज किस तरह की पूरी कामयाबी मिली है? ये हमारा थाना मोहनलालगंज है, जहाँ पे बलसिंहखेड़ा तिराहा है, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग हमारी पुलिस की टीम ने लगाई थी कि एक करिया नाम का एक शातिर अपराधी है, जो रजिस्टर्ड चोरी के गैंग का सदस्य भी है कानपुर में भी, और हमारे लखनऊ में भी उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हुए हैं। और वो गैंगस्टर का वांछित हमारे यहाँ से मुलजिम भी था, जिस पर 25,000 का इनाम भी है। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिसमें क्या कहते हैं, जो बाइक थी उसकी, उस पर नंबर नहीं था, नंबर प्लेट नहीं थी, जिस पर जिसके संदेह पर उसको रोकने की कोशिश की थी। और भागते वक्त उसने फायरिंग की और हमारी पुलिस की टीम ने आत्मरक्षार्थ उस पर गोली चलाई, जिसमें उसको पैर में गोली लगी। तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी उसके और दोस्तों की तलाश की जा रही है, और यहाँ नाकेबंदी करके कॉम्बिंग किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ में डीसीपी साउथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है, और जिसमें आज एक कुख्यात बदमाश था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। हालांकि क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल अभी पुलिस पूरी जांच